ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कार्तिक और ये है गैजेट रिव्यू। आज जो मेरे पास पे गैजेट है ये ऑनलाइन मार्केट में अभी काफ़ी बिक रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसको चेक किया जाए। और दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास में ये MI सोप डिस्पेंसर, हम इससे शुरू करते हैं। ये क्या मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में ये 3 यूनिट्स है और जिसको में से एक यूनिट मैंने खोल के रखी थी, और ये है दुनिया का सबसे छोटा सैनिटाइज़र। ठीक है, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आपको एक बटन मिलता है यहाँ पे और ऊपर ये होल है। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर को आपको इस तरह खोल देना है, ये दो टुकड़ों में, दो पार्ट में इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो कंटेनर है इसमें आप सैनिटाइज़र डाल सकते हैं। अगर तो सैनिटाइज़र की विस्कोसिटी इतनी ही है पानी जितनी, तो आप इसको इतना भर सकते हैं। और अगर उसकी विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा है अगर वो, तो इतना सैनिटाइज़र डाल दीजिए, फिर थोड़ा पानी और थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है आपको। उसके बाद में क्या करना है, इसको लेना है और इस तरीके से इसको लॉक कर देना है। ठीक है, और उल्टा करना है आपको। अब देखना है ये ऊपर वाला होल क्या करता है। ये दिख रहा है फोक। तो अगर इसके अंदर सैनिटाइजर है तो आप इस तरीके से अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हो, किसी भी चीज़ को सैनिटाइज कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास में एक केबल है इस तरीके से, बाय द वे केबल इसी की है, टाइप A2 माइक्रो USB मिलती है, इसके साथ में ही बॉक्स में ही आती है ये केबल। और इस प्रकार से आप सैनिटाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ को, जैसे कि पैसे। है ना कमाल की चीज़। पर इसका अल्टरनेट हमारे पास में बहुत सारे हैं, जैसे कि जो स्प्रे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अल्टरनेट हमारे पास में जो इससे कहीं बेहतर है। लेकिन ये इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये इतना ही चीप है, ये सस्ता बहुत है। ये मुझे पड़ा, मैंने ऑफलाइन इसको ख़रीदा है, मुझे पड़ा ये 200 रुपये का। और मैंने अभी ऑनलाइन चेक भी किया, कई कई बार ये 130 का, 150 का, 250 का भी बिक रहा है, मतलब इसी प्राइस रेंज में ये बिक रहा है। तो काफ़ी सस्ता है, इसीलिए अभी इतना डिमांड में चल रहा है। और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में है ये MI की ओर से, ये MI का, ये दोनों एक ही प्रोडक्ट है बाय द वे, MI का ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर। ये भी काफ़ी लोग खरीद रहे हैं अभी लॉकडाउन के पीरियड में। और MI क्या क्या नहीं बनाता है, MI वॉचेस बनाता है, TVs बनाता है, फोन्स बनाता है, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक टूथब्रश बनाता है, बल्ब बनाता है। एक दिन ऐसा ना हो कि सैमसंग की तरह MI भी टैंक्स और आर्टिलरीज बनाना शुरू कर दे, फून हो सकता है। ये प्रोडक्ट और ये सोप है एक, और ये मेन डिवाइस है जो काम कैसे करता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इस तरह से आपको नीचे से इसको ओपन कर लेना है, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर 4 बैटरीज लगती है। और जब मैं इसको लेके आया मुझे लगा कि इसको चार्ज करना पड़ता होगा, इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी होगी। और फिर मैं बैटरीज लेने के लिए बाहर गया, लॉकडाउन चल रहा था, बैटरीज कहीं भी नहीं मिल रही थी क्योंकि सारी की सारी शॉप बंद थी। तो नीचे एक बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, तो मैं वहीं से जुगाड़ करके अभी के लिए लेके आया हूँ बैटरी। और इस तरह से आपको इन बैटरीज को इसके अंदर डाल देना है, जैसे लगती है इसके अंदर ये बैटरीज। और उसके बाद में ये 4 बैटरीज मैंने लगा दिए बाय द वे, और यहाँ से इसको कर देना है बंद। ठीक है, और उसके बाद में इसमें इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक कैप दी हुई थी, और लुक एट इट, प्रीमियम लगता है, काफी प्रीमियम लगता है। अब करना क्या है इसमें कि यहाँ पे एक टच बटन है, यहाँ पे सिर्फ इसको क्लिक करना है, ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वापस अगर इसको दबाओगे तो ये ऑफ हो चुका है। तो मैं एक बार इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, बताता हूँ ये करता क्या है, बताता नहीं दिखाता हूँ। तो सिर्फ आपको अपना हाथ नीचे लेके जाना है और इस तरीके से ये पूरा फोम आपके हाथ में आ जाएगा। और ये एक कॉन्टैक्ट लेस तरीका है हाथ धोने का, कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट लेस तरीका हाइजीन के मामले में। ओके, तो ये काम कैसे कर रहा है बेसिकली, इसके अंदर एक पाइप लगा हुआ है नीचे की ओर, और एक दूसरा कनेक्टर जो है वो इसको ऊपर की ओर कनेक्ट करता है। जब आप इसको ऐसे घुमाते हैं वो कनेक्ट हो जाता है, और इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जो इसको ऊपर की तरफ खींचती है। ठीक है, और किसी मैकेनिज्म से वो फोम बना के इसको बाहर की तरफ
सेंड कर देती है। अब इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कैसे होता है, मैं इसको पहले बंद कर लेता हूँ क्योंकि जैसे मैं हाथ नीचे लेके जाऊँगा इस चीज़ें बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंफ्रारेड प्रॉक्सीमेट्री सेंसर लगा हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, ये होता क्या, बेसिकली आपके फ़ोन में भी होता है ये कि जब आप किसी को कॉल करते हैं यहाँ पे लेके जाते हैं तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, जैसे ही यहाँ पे लेके आते हैं स्क्रीन ऑन हो जाती है, वही वाला सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। और जैसे ही आप इसके नीचे अपना हाथ या कोई भी चीज़ लेके जाते हो, सेंस कर लेता है और जस्ट फ़ोन को थ्रो कर देता है। अब एमआई क्लेम करती है कि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 0.25 सेकेंड, मतलब सवा सेकेंड के अंदर अंदर ये फ़ोन बाहर ले आएगा, मतलब सेंस कर लेगा कि नीचे कोई आ गया। और जो रेंज है इसकी वो लगभग 60 to 90 mm, मतलब 6 से 9 सेंटीमीटर के बीच में ये सेंस कर लेता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसी का एक पार्ट है, मैं यहाँ से क्विक है, काफ़ी क्विक है, स्मेल्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छी स्मेल है, एक्चुअली अलग सी स्मेल है। और इसके बारे में, इस फोन के बारे में काफ़ी कुछ MI ने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है, और मैं वेबसाइट चेक कर रहा था तो वहाँ पे किसी ने लिख रखा है कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसको रिफ़िल कैसे करें, मतलब वापस कैसे भरें इसको। तो MI जो है ये 3 कंटेनर बेचता है 600 rupees के, आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा। पर मेरे पास पे एक सस्ता वाला इलाज भी है इसका, अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर जो ये कैप लगी हुई है, आप इसको किसी स्क्रू ड्राइवर से इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो और उसके बाद में कोई भी दूसरा सोप इसके अंदर भर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप इसके अंदर भरो, मतलब कि अगर आप कहीं लाओ और उसके बाद की बात है, तो यहाँ पे उसको इतना ही भरना और उसके बाद में इतना उसके अंदर पानी डाल देना और फिर इसको लॉक कर देना और शेक कर लेना, ताकि क्या होगा ये जब ऊपर जाए तो उसको फोम बना पाए, क्योंकि फोम बनाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें भी पानी का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होगा, मेरे ख्याल से कम 40 to 50% का परसेंटेज होगा इसके अंदर। तो यस, यही था इस वीडियो में गाइस। और या घर में होना ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। यस, बट ट्राई करते फिर से। ओके, मुझे वापस हाथ धोने पड़ेंगे। यस, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइज, और इसी तरह की एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। चलो बाय।